वेलकम बैक टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हर स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन बना हुआ है, जो भी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहा है या जो भी टाइपिंग से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहा है। तो उसको जब एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें लिखा होता है ये फॉन्ट पर ये टाइपिंग चाहिए, ये फॉन्ट पर ये फॉन्ट ये लेआउट चाहिए। तो उसको समझ ही नहीं आता है स्टूडेंट को कि टाइपिंग क्या है, उसका लेआउट क्या है, उसका फॉन्ट क्या है, या किस फॉन्ट के लिए कौन सा कीबोर्ड यूज होगा, किस फॉन्ट के लिए कौन सा लेआउट यूज होगा। फिर वो इसके बाद इंटरनेट खंगालता है और इंटरनेट खंगालने के बाद उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा कि जितने भी बच्चे हैं जो भी टाइपिंग से संबंधित जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग में लगे हुए हैं, तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो आज हम सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि टाइपिंग क्या है, उसका लेआउट क्या होता है, और उसका फॉन्ट क्या है, या टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्या होते हैं। और साथ में हम आज वो भी तुमको चीज़ें देंगे जिसके द्वारा आप टाइपिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं, आप हिंदी की टाइपिंग को, इंग्लिश की टाइपिंग को मतलब बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप इन जो हम स्टेप बताएंगे, जो मैं स्टेप बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं खुद उन स्टेप्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ाऊँ, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप जो टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं उस टाइपिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ, यानी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्या टाइपिंग पूछी जाएगी। उस टाइपिंग में अगर पूछा जाएगा तो उसमें उसका लेआउट क्या होगा, उसका फॉन्ट क्या होगा। तो इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि कोई भी अगर टाइपिंग से संबंधित जॉब आती है तो उसका नोटिफिकेशन पहले पढ़िए और उस नोटिफिकेशन में देखिए कि उसमें कौन सा लेआउट मांगा है, कौन सा फॉन्ट मांगा है। उसके बाद आप वही फॉन्ट भरिए, वही लेआउट को देखिए उस संबंधित जॉब जिस फॉन्ट पर आप टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग में जंप करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी 5 महीने इसमें किया, 3 महीने उसमें किया और इसके बाद जंप कर गए, तो आपकी ना तो स्पीड एक में बन पाएगी ना दूसरे में बन पाएगी, तो आप दोनों जगह फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि जिस फॉन्ट पर आप टाइपिंग कर रहे हैं उसी फॉन्ट पर कीजिए, क्योंकि हर फॉन्ट का यूज कहीं ना कहीं आता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, हम टाइपिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हिंदी फॉन्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी फॉन्ट, हम ये टाइपिंग में आज हिंदी से ही संबंधित बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश फॉन्ट तो सबको पता है, इंग्लिश फॉन्ट तो सभी को आता है, और हिंदी फॉन्ट ही टाइपिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट बन जाता है। तो हिंदी फॉन्ट दो प्रकार के मोस्टली हमारे यूज होते हैं, एक यूज होता है लीजेसे हिंदी फॉन्ट और दूसरा यूज होता है यूनिकोड हिंदी फॉन्ट। तो जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है कि यूनिकोड हिंदी फॉन्ट पर चाहिए या लीजेसे हिंदी फॉन्ट पर चाहिए। अब लीजेसे हिंदी फॉन्ट क्या होता है, लीजेसे हिंदी फॉन्ट जो है आपको मेनली चार प्रकार से मिलेंगे, कृतिदेव, देवलियम या फिर कृष्णा, चाणक्य, इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, अमन है, आलोक है, बहुत सारे इसके फॉन्ट हैं। तो इसमें जो कृतिदेव फॉन्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो सबसे ज़्यादा चलन में है, वो काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कृतिदेव का जो फॉन्ट है वो आपको मेनली इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का कृतिदेव फॉन्ट आपको मिलेगा। इस फॉन्ट की जो ज़रूरत होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट से संबंधित जितने एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सब में कृतिदेव पूछा जाता है। और जो टाइपराइटर हम यूज करते हैं उसमें भी कृतिदेव फॉन्ट का ही प्रयोग होता है। और इस लीजेसे हिंदी फॉन्ट के अंदर कृतिदेव के अलावा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप और कोई फॉन्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, कृतिदेव आप सीख लिए हैं, सफिशियंट है। तो नेक्स्ट बात आती है यूनिकोड हिंदी फॉन्ट की। तो यूनिकोड हिंदी फॉन्ट, जिसको हम मंगल फॉन्ट भी कहते हैं, ये इस समय चलन में है, यही मोस्ट जो इतने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग मांगते हैं, तो मंगल फॉन्ट को यूनिकोड हिंदी फॉन्ट भी बोलते हैं। अब यूनिकोड हिंदी फॉन्ट में मेनली आपको 6 प्रकार के कीबोर्ड मिलेंगे, जैसे कि रेमिंगटन है, जो हम लोग टाइपराइटर यूज करते हैं वो रेमिंगटन से संबंधित होता है। इसके बाद रेमिंगटन गेल है, रेमिंगटन गेल हिंदी को कीबोर्ड, यूनिकोड फॉन्ट मंगल, यानी मंगल का ही ये एक पार्ट आता है रेमिंगटन गेल। तो रेमिंगटन गेल पर भी हिंदी टाइपिंग पूछी जाती है। रेमिंगटन गेल आपके CISF है या फिर SSC है,
जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी चॉइस के रूप में आता है। तो रेमिंगटन गेल में आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए आपको इसका जो लेआउट है वो इस प्रकार से कुछ दिखेगा। ये रेमिंगटन हिंदी गेल का ये एक इसका लेआउट है। तो इस पर भी टाइपिंग काफ़ी जगह पूछी जाती है, काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में या एडमिट कार्ड में लिख करके आता है कि हिंदी टाइपिंग विद रेमिंगटन गेल, मतलब मंगल फॉन्ट विद रेमिंगटन गेल लेआउट, तो आपको रेमिंगटन गेल का ये लेआउट सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए मार्केट में कई सारे उसके परचेज़ करने के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इंस्टॉलेशन का भी एक दिन वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि आप हिंदी फॉन्ट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड सिस्टम पर, या फिर अपने सिस्टम पर किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये है रेमिंगटन गेल। तो इस पर भी ये मंगल फॉन्ट का ही एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा, रेमिंगटन गेल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है, नेक्स्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेमिंगटन सीबीआई। अब गेल और सीबीआई में थोड़ा सा फ़र्क है, एकदम छोटा सा फ़र्क है। रेमिंगटन गेल में हम मात्राएं बाद में लगाते हैं और रेमिंगटन सीबीआई में हम मात्राएं पहले, सॉरी उल्टा हो गया, रेमिंगटन सीबीआई में हम मात्रा बाद में लगाते हैं हिंदी फॉन्ट लिखने के बाद, और रेमिंगटन गेल में हम मात्राएं पहले ही लगाते हैं, जैसे कि कुर्ती दो में यूज करते हैं। तो रेमिंगटन सीबीआई और रेमिंगटन गेल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने रेमिंगटन गेल सीखा है तो आप सीबीआई भी चला सकते हैं और कुर्ती देव भी चला सकते हैं, और कुर्ती देव अगर आपने सीखा है तो रेमिंगटन गेल और रेमिंगटन सीबीआई दोनों चला सकते हैं। थोड़ा सा माइनर एक रो का मोस्टली अंतर है, वो भी रो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना। तो रेमिंगटन सीबीआई भी आपको रेमिंगटन गेल की तरीके ही आपको इसका जो कीबोर्ड होगा वही वो दिखेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक मंगल का ही पार्ट आता है, यानी मंगल फॉन्ट के अंतर्गत ही यूनिकोड फॉन्ट का ही एक पार्ट है ये रेमिंगटन सीबीआई। इसके बाद जो चलन में आता है वो आता है इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड, ये भी मंगल का ही एक पार्ट है, इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड। तो इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड जो होता है वो आपके विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके कीबोर्ड सिस्टम पर पड़ा होता है, इसको केवल एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड को भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो आपको सीबीआई गेल या फिर कुर्ती दो चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी स्टेट लेवल के या फिर एसएससी में भी, उनमें इंस्क्रिप्ट का चलन है, इंस्क्रिप्ट की टाइपिंग पूछी जाती है। तो इंस्क्रिप्ट में ये है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड, इंग्लिश कीबोर्ड। जैसे कि हम कुछ बोल करके कुछ टाइप करते हैं, यानी कि बोल दिया और वो टाइप हो गया, तो वो फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड के अंतर्गत आता है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है। और इसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल टाइपिंग आती है, जैसे कि सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, उसमें जो टाइपिंग होती है वो एंड्रॉयड मोबाइल इंग्लिश कीबोर्ड टाइपिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ मुख्य मुख्य जो फॉन्ट होते हैं उन पर चर्चा की, जैसे कि कुर्ती देव है, ठीक है, कुर्ती देव मतलब कुर्ती देव जो है वो ली जैसे हिंदी फॉन्ट के अंतर्गत आता है, कुर्ती देव है। इसके बाद मंगल फॉन्ट पर आपके रेमिंगटन गेल मिलेगा, रेमिंगटन सीबीआई मिलेगा, इंस्क्रिप्ट मिलेगा, ये सारे फॉन्ट मिल सकते हैं। तो हिंदी टाइपिंग में मोस्टली यही है, टाइपिंग मतलब किसी चीज़ को अच्छे से टाइप करना, एक अपना फॉर्मेट तैयार करना, एक कुछ लेटर कुछ भी लिखना गवर्नमेंट संस्था के लिए, तो वो होती है टाइपिंग। और लेआउट उसी से संबंधित जो पूछा जाता है, जैसे कि गेल हुआ, सीबीआई हुआ, या इंस्क्रिप्ट हुआ, या फिर कुर्ती देव हुआ, तो ये लेआउट आते हैं। उसी के अंदर ये सिर्फ वो फॉन्ट होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद कीबोर्ड, तो हमने सारे जितने भी यहाँ पर डाउट वाले क्वेश्चन थे टाइपिंग से संबंधित वो सारे क्लियर कर लिए हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस पर टाइपिंग करना पसंद करेंगे ना। मंगल पर अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंगल का कोई एक लेआउट चूज़ कर लीजिए। अगर कुर्ती देव पर टाइपिंग कर रहे हैं तो कुर्ती देव पर कीजिए, मतलब टाइपिंग में जंप नहीं करना है आपको। तो आप जिस फॉन्ट पर भी टाइपिंग कर रहे हैं उस फॉन्ट पर करते रहिए, क्योंकि क्या करें, ये समस्या बहुत बड़ी फंस गई है कि अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग फॉन्ट पर टाइपिंग मांगते हैं। आप कोई एग्ज़ाम भरेंगे उसमें दूसरी टाइपिंग होगी, और कोई एग्ज़ाम भरेंगे आपको दूसरी टाइपिंग सीखना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि मैं कौन सी टाइपिंग करूँ, कौन सी टाइपिंग हमारे लिए प्रेफर रहेगी, किस टॉपिक टाइपिंग पर हम ज़्यादा अच्छा स्पीड गेन कर सकते हैं। तो उसका सलूशन भी मैं देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी फॉन्ट
यूज़लेस नहीं है, हर टाइपिंग फॉन्ट पर जॉब पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम कुर्ते तो सीख रहे हैं तो इंस्क्रिप्ट में अगर जंप कराने को कहा जाए तो आप मत करिए। कुर्ती दो अगर आप सीख रहे हैं तो कुर्ती दो पर सीखिए, आपको उसमें जॉब मिलेगी। इंस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, इंस्क्रिप्ट सीखिए, आपको उसमें जॉब मिलेगी। गेल सीख रहे हैं या CBI सीख रहे हैं या कोई भी फॉन्ट सीख रहे हैं, आप उसी पर रहिए, आप जंप करने की कोशिश ना कीजिए। तो चलिए अब मैं अपना रिकमेंडेशन दे देता हूँ। तो ये जो रिकमेंडेशन है थोड़े आंकड़ों को लेकर के मैं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फॉन्ट चूज़ कीजिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं जो टाइपिंग यूज करता हूँ वो रेमिंगटन गेल यूज करता हूँ। रेमिंगटन गेल इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि रेमिंगटन गेल में आपको रेमिंगटन CBI का भी फ़ायदा मिल सकता है, और 10 या 15 दिन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो कुर्ती देव भी आपको आ जाएगी। ये रेमिंगटन गेल का फ़ायदा है, रेमिंगटन गेल का फ़ायदा है। अब आप इसमें अगर कुर्ती देव करते हैं या फिर रेमिंगटन गेल करते हैं या फिर CBI करते हैं, तीनों मोस्टली जो हैं माइनर अंतर के साथ तीनों ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि तीनों आप अच्छे से सीख सकते हैं अगर आपको एक अच्छी आती है। और इंस्क्रिप्ट आपको अगर सीखनी है तो सीख लीजिए, पर इंस्क्रिप्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इंस्क्रिप्ट सीख करके आप गेल या CBI या कुर्ती दो पर जंप नहीं कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से नहीं चला सकते हैं। और इंस्क्रिप्ट जो है मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मंगल का जो रेमिंगटन गेल है वो इंस्क्रिप्ट के साथ भी ऑप्शनल में रखा जाता है। जैसा कि अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मंगल फॉन्ट लिखा था पर ये नहीं लिखा था कौन सा लेआउट है, तो मंगल फॉन्ट में वहाँ पर गेल लेआउट डाल दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे उसमें रिट लगी थी तो उनको मजबूरी में इंस्क्रिप्ट में भी कराना पड़ा था। तो इसलिए मैं जो मतलब करता हूँ, मैं रेमिंगटन गेल पर ही टाइपिंग करता हूँ और उसी को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पर मैं ये नहीं कहता कि आप उसी को करिए, आप जिस पर भी टाइपिंग कर रहे हैं उस पर करते रहिए और उस टाइपिंग के साथ साथ लगन जरूरी है और नियमितता बनाए रखिए। अगर नियमितता से आप करेंगे तो आपको हर टाइपिंग अच्छे से आ जाएगी, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टाइपिंग से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे उसके लेआउट या उसके कीबोर्ड से संबंधित वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके पास फ्रेंड हैं जिनको ये डाउट रहता है टाइपिंग से संबंधित। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।